लेक्चर नंबर 14, पॉइंट थर्ड। अब क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लेना डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू टू डैश इज इक्वल टू है क्या डब्ल्यू टू इंटू डब्ल्यू वन इसके बराबर है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लिकेशन से आप क्या थीटा जो है डिग्री वो हमारे पास क्या आएगी, वो या एक्यूट होगी, थ्री फॉर्म है, एक एक्यूट होगी या राइट एंगल होगी या एब्ट्यूक होगी, ये तीनों होंगे। लेकिन राइट एंगल कब होगी, ग्रेटर देन किस चीज़ से हो, ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू टू इंटू वन, उसका क्या आपके पास जो वैल्यू है एक्यूट क्या होगी, एक्यूट वो होगी कि ज़ीरो से ग्रेटर होगी। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन स्केलर आएगा, जब उससे स्केलर वैल्यू आएगी स्केलर, देन ये हमारे पास आएगा। और साथ में अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो राइट एंगल होगा, लेस देन ज़ीरो होगा तो वो एब्ट्यूक होगा। ये अब इजी है। बाकी क्या आप पार्ट ए क्या है, पार्ट ए में कहता है डब्ल्यू वन इज इक्वल टू थ्री एंड टू टू, डब्ल्यू टू क्या कहता है फोर एंड वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू डैश इंटू ये कैलकुलेट करता हूँ, देन चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आता है, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। डब्ल्यू वन का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, देन वो क्या बन जाएगा थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई विद फोर इंटू वन, वन इंटू फोर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना मल्टीप्लिकेशन से, क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो थ्री मल्टीप्लाई विद वन प्लस टू मल्टीप्लाई विद फोर, ये क्या थ्री वन दर थ्री फोर टू दर एट, थ्री एंड एट प्लस कर लेना, थ्री एंड एट प्लस एलेवन आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से ग्रेटर है। इट्स मीन कि ये क्या हमारे पास एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। इसी तरह अगर मैं कोई और कर लेता हूँ, अगर मैं डी करता हूँ तो डी में क्या है डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वन ज़ीरो ज़ीरो, डब्ल्यू टू किसके बराबर है ज़ीरो टू ज़ीरो, ये वेक्टर है। अब इसका क्या पहले ट्रांसपोज किया होगा, ये होगा कि ये वन ज़ीरो ज़ीरो, फ़ौरन मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ डब्ल्यू टू के साथ, तो डब्ल्यू टू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना ज़ीरो टू ज़ीरो। अब मल्टीप्लाई क्या आएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हो सकता है वन रो इंटू थ्री कॉलम, थ्री रो इंटू वन कॉलम, अब बाय वन मल्टीप्लाई विद ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई विद टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई विद ज़ीरो, इसका आंसर क्या ज़ीरो आया। इट्स मीन कि ये क्या ये राइट एंगल है। इस तरह बाकी भी चेक कर लेना, बाकी भी इसी तरह हैं। देन ये क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हैं, बाकी पार्ट खुद कर लेना।